राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आया हूँ। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, हमारे समाज में ज़्यादातर भीड़ चाल चलती है। लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। कोई कह दे कि उस फकीर के पास चले जाओ या उस जगह चले जाओ और वहाँ पर पूजा करो, मन्नत मांगो, तो कृपा आना शुरू हो जाएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत ही जानदार बने हुए चबूतरे के पास एक मकान था, जिसमें कि एक आदमी रहा करता था। उसके पास एक गधा भी था। सैकड़ों लोगों का मानना था कि उस चबूतरे के पास जाकर जो भी आदमी दान दक्षिणा चढ़ाएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसीलिए अक्सर वहाँ पर लोगों का जमावड़ा रहता था और उस चबूतरे पर जो कुछ भी आमदनी होती थी वह आमदनी उस आदमी की जेब में जाया करती थी। उन तमाम लोगों में एक गरीब बंजारा भी था, जो कि रोजाना नियमानुसार आकर उस पत्थर पर, उस चबूतरे पर मत्था टेकता था और अपने काम पर चला जाया करता था। उस बंजारे का कपड़ों का काम था। वह कपड़ों से भरी हुई भारी पोटली अपने सर पर रखकर गली गली में फेरी लगाता था और अपना जीवन व्यापन करता था। एक दिन उस आदमी को उस बंजारे पर दया आ गई, जो कि चबूतरे के पास रहा करता था। उसने अपना गधा बंजारे को दान में दे दिया। उसके बाद तो बंजारे की समस्या ही हल हो गई। वह कपड़ों की पोटली गधे के ऊपर रखकर गली गली में बेचा करता था और जब वो थक जाया करता था तो वह भी गधे के ऊपर जाकर बैठ जाया करता था। ऐसे ही कई महीने गुजर गए। उसके बाद गधा बूढ़ा हो गया और उसके बाद मर जाता है। बंजारा बहुत ही दुखी होता है। वह एक साफ सी जगह ढूंढता है और वहाँ पे जाके गधे को गाड़ देता है और उसके ऊपर बहुत ही सुंदर चबूतरा बनवा देता है। गधे में और बंजारे में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। इसी के लिए कभी कभी बंजारे को गधे की याद आती और वह जाकर उसके चबूतरे पर रोता था। एक दिन बंजारा जब गधे के चबूतरे पर रो रहा होता है तो वहां से एक आदमी गुजर रहा होता है। वो आदमी सोचता है शायद ये किसी बड़ी शख्सियत का चबूतरा है, इसीलिए तो यह आदमी अपना दुख इस चबूतरे पर आके रो रहा है। यह देखकर उस आदमी ने भी सोचा कि मैं भी इस चबूतरे पर जाकर मत्था टेकता हूँ और वहां पे जाके मनोकामना मांगता हूँ। उसने ऐसा ही किया, मनोकामना मांगी, मत्था टेका और वहां पे कुछ पैसे जाके चढ़ा दिए और अपने गांव के लिए चला जाता है। कुछ दिन बाद उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वो सारे गांव में शोर मचाता है कि वहां पे जो चबूतरा है उस चबूतरे पे मैंने मन्नत मांगी और देखो मेरी मन्नत पूरी हो गई। और उस दिन के बाद उस चबूतरे के पास लोगों का तांता लगना शुरू हो जाता है। एक दिन वही आदमी जिसने कि बंजारे को गधा दिया होता है वहां से गुजर रहा होता है। बंजारा उसको देखता है, पहचान जाता है और रोक लेता है और कहता है, बाबूजी आपने जो मेरे को गधा दिया था वो जीते जी तो मेरी मदद करता ही था, आज देखिए मरने के बाद उसके चबूतरे पर कितने सारे लोग आते हैं, उस पर पैसे चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं और इससे मेरा जीवन व्यापन होता है। वो आदमी हंसता है, बंजारे की तरफ देखता है और कहता है, बच्चा जिस चबूतरे पर आकर तू रोजाना मत्था टेकता था ना, वो कोई और नहीं इस गधे की माँ का चबूतरा था। ये दिन देखने से पहले राजीव तलवार मर क्यों नहीं जाता है? तो दोस्तों, भीड़ के पीछे ना चलें और किसी का अनुकरण करने से पहले उसकी सच्चाई जान लें। सोचें, समझें और अच्छी तरह परखें, उसके बाद ही कोई कार्य करें, क्योंकि किसी की भी अंधभक्ति मूर्खता कहलाती है। तो बोलिए राधे राधे। और आपको यह हमारी जानकारी कैसी लगी इसको कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही और जानकारी लेने के लिए या कहानियां सुनने के लिए आप हमारा चैनल, जो कि नीचे लाल वाला सब्सक्राइब वाला बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब चलते हैं कृष्णवाणी की ओर। तो आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 2 को शुद्ध हिंदी में सुनाऊंगा। तो शुरू करते हैं। इसमें संजय अपनी आंखों का देखा हुआ हाल बता रहे हैं और कह रहे हैं, हे राजन, दुर्योधन जो कि पांडवों की सेना का व्यू देख रहे हैं और यह बात जाकर द्रोणाचार्य को बता रहे हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान हुई थी, वह युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे और जो वो देख रहे थे सिर्फ वही बता रहे थे। इसमें उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा था, सिर्फ जो देख रहे थे वही बता रहे थे। यानी कि जैसे हम रनिंग कमेंट्री सुनते हैं, आप उसी तरह से समझ लीजिए। ये उन्हीं की दिव्य दृष्टि यानी कि डिवाइन विजन का कमाल था कि आज हम लोग गीता को सुन सकते हैं और
पढ़ सकते हैं। तो बोलिए राधे राधे।